मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बोनिता। अरे बोनिता माफ करना, वो मैंने कहा उनसे कि बोनिता दीदी थकी हुई होगी, पर ये कहाँ सुनते हैं किसी की बात, मिलने आए हैं तुमसे सब। नहीं संपूर्णा दीदी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और अच्छा आप ही ने ले आए, अब हम रात भर खूब खेलेंगे, बातें करेंगे और खाएंगे भी। तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। चलो बोदी, हमें ना तकिए वाला खेल खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आप सबको खेलना है? जल्दी जल्दी बैठो सब लोग, चलो अब तुम वो तकिया पास करोगी और जिसके ऊपर भी 10 नंबर आया उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलेगा? चलेगा। चलो चलो चलो। 1, 2 आराम से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मासी, अब आपके ऊपर तो 10 आया, तो अभी आपको नाचना पड़ेगा। नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, लेकिन आप सबको भी फिर नाचना होगा। हाँ चलेगा चलेगा। चलो 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 चलो, अब जिस पे भी 12 आएगा उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। शाश्वती सॉरी। थोड़ी देर यही इंतजार करता हूं बच्चों के जाने का। बाहर से आवाज आना बंद हो गई, इसका मतलब है कि बच्चे चले गए। पत्ती चमकेगी फिर बुझेगी, तुम भी इसी तरह मुझे बता सकती हो कि सब ठीक है। मेरी तरह तुम भी मुझे याद कर रही हो, मिलना चाहती हूँ मुझसे। बोनिता के कमरे में लगातार बत्ती क्यों बुझकर फिर से लग रही है? ऐसा तो नहीं करती बोनिता।
मोनिता ठीक तो है ना? मुझे देखना चाहिए जाकर। अरे गाड़ी निकालो! अनिरुद्ध और चंद्रचूड़ के बीच में कोई झगड़ा हुआ है शायद। वो उसके पीछे गया है। क्या हुआ? अरे पता नहीं, हमें ठीक से मालूम नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन बिहारी ने बताया कि अनिरुद्ध की आंखों में खून उतरा हुआ था और वो चंद्रचूड़ के पीछे गया है। हमें लगता है कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कोई महापाप। हमें हमें अनिरुद्ध को रोकना होगा। निकालो गाड़ी। काका ससुर जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तेरी अभी अभी शादी हुई है, तेरा बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं है। ठाकुर माँ, बोंदिता को आने दीजिए। बरिस्तर बाबू को कुछ भी गलत करने से बोंदिता ही रोक सकती है। हे दुर्गा माँ, सब कुछ ठीक रखना। चले चले, चल फिर चल। दादा, अनिरुद्ध! सोमनाथ, जल्दी नीचे अपने आदमियों को भेज। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी सोमनाथ। पति बाबू, क्या हुआ था? क्यों लड़ रहे थे आप दोनों? और गोली कैसे चल गई? पति बाबू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलना क्या है, सब जानते हैं कि इन दोनों जमाई बाबू के बीच कितना झगड़ा हुआ था। बैरिस्टर बाबू ने जबरदस्ती चंद्रचूर बाबू को उनकी पत्नी के पांव में गिरा के जबरदस्ती माफी मंगवाई थी। जान तक लेने की धमकी दी थी उन्होंने। अगर मेरे सामने किसी निर्दोष का अपमान होगा तो हाँ, मैं जान ले लूंगा चंद्रचूर। मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। तो क्या देखा आपने? हम जब वहाँ पहुंची तो अनिरुद्ध जमाई बाबू और चंद्रचूर जमाई बाबू आपस में लड़ रहे थे, फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई और चंद्रचूर जमाई बाबू को गोली लग गई। और गोली चलाई किसने? मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने, है ना? जी।
और आपने क्या देखा? देखिए थानेदार साहब, हमारा अनिरुद्ध कभी किसी के साथ गलत नहीं करता और ना गलत होने देता है। अगर उसने चंद्रचूड़ को कुछ किया तो जरूर उसी ने कुछ पाप किया होगा। शर्म नहीं आती आपको? एक तो आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया, ऊपर से आप सारा आरोप मेरे बेटे पे लगा रहे हो। आप शांत रहिए। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो? अपने पति को फांसी के फंदे पे चढ़ाने का तमगा भी दिलाते हैं मुझे? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं जेठ जी? ओंदिता की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो प्यार करती है अनिरुद्ध से, पत्नी है वो। और जब एक पत्नी और एक बैरिस्टर एक होकर मुकदमा लड़ेंगे ना, तो जीत निश्चित है। हार निश्चित है, हाँ संपूर्णा बहू, हार निश्चित है। अनिरुद्ध ने जिद करके बना दिया उसे बैरिस्टर, पर कभी कोई मुकदमा लड़ पाई है क्या? किसी ने किया उस पर भरोसा? तो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने भारी मुकदमे के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये मुकदमा लड़ना कोई आसान चीज नहीं होती है। अरे वहां पे सबूत ढूंढना, गवाह जुटाना, 100 लोगों के सामने खड़े होके जिरह करना, नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब बौंदिता के बस का नहीं है, छोड़ो। पर मुझे विश्वास है कि बौंदिता ऐसा कर सकती है, और बौंदिता के तर्क शक्ति को तो आप भी मानते हैं ना जेठ जी? जब लड़का लड़की और पति पत्नी बराबर है एक दूसरे के लिए, तो सिर्फ लड़की ही क्यों रहे चुप, लड़की ही क्यों रहे भूखी? ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह, आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? वादा करो बौंदिता कि तुम बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी से भी बड़ी बैरिस्टर बनोगी। वादा करो बौंदिता कि अगर कभी जीवन में तुम्हें बैरिस्टर धर्म और पत्नी धर्म में चुनना पड़े, तो तुम बिना सोचे एक बार में तुम बैरिस्टर तो दोनों धर्म बराबरी से निभाएगी बौंदिता। समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, पर तुम्हें भी समझना होगा कि पति बाबू कभी किसी का खून नहीं कर सकते। उनके अधूरे सच के पीछे जरूर कोई मजबूरी होगी। और तुमने देखा नहीं जंगल में वो कैसे चुप खड़े थे? चुप थे बौंदिता, पर बाद में उन्होंने थानेदार साहब के सामने अपना सारा सच कबूल कर लिया था ना। वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्यों उन्होंने सच बाद में कबूल किया। ऐसा कुछ तो है जो सामने पर दिख नहीं रहा है। टपुर, मेरा दिल कहता है कि पति बाबू कभी किसी का खून नहीं कर सकते, कभी नहीं। पर मेरा दिल कह रहा है बौंदिता कि वो अपराधी है। तेरे पति बाबू नहीं मारा है मेरे पति को। तू क्यों मानेगी? क्यों मानेगी तू? खोया तो मैंने है अपना सब कुछ, तूने नहीं। लेकिन अब अपने दिल को मनाना शुरू कर दे,
कि तुझे भी अब तेरे पति बाबू के तस्वीर से ही अपने सुख दुख बांटने होंगे। और ये फूल जो इस फूल सज्जा पे पड़े हैं, यही फूल तुझे तेरे पति बाबू की तस्वीर पर चढ़ाने पड़ेंगे। प्रभु चीख ले जितना चीखना है और चिल्ला ले, बंद करा दे मेरा मुंह। लेकिन कल सब लोग, पूरी दुनिया तेरे पति बाबू के खिलाफ गवाही देगी कचहरी में, और तब मैं देखती हूँ कि किस किस का मुंह बंद कराती है तू। तेरे पति बाबू ने मेरा सिंदूर छीना है, मैं जब तक तेरी मांग नहीं उजाड़ देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी बॉन्दिता। पर पति बाबू, आज आपका यूं सताना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अनिरुद्ध, फूल सज्जा की तैयारी तो कोई फूल सजाने वाला करता है, तुम रॉय चौधरी हो के इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेहनत नहीं संपूर्णा माँ, ये तो बॉन्दिता के लिए मेरा प्यार है। उसने मेरी वजह से क्या कुछ नहीं सहा जीवन में, पर अब और नहीं, अब से बॉन्दिता के जीवन में कांटे नहीं सिर्फ फूल होंगे। अब देखिए, बॉन्दिता को अच्छे से समझा दिया है ना कि गठबंधन नहीं खुला है, वो कचहरी नहीं जा सकती, और उसको ये भी कह देना कि चिंता ना करे, काका ससुर सब अच्छा कर देंगे। और ये भी कहना कि नई बहू है तो उसके मुंह दिखाई में उसे उसके पति बापू देंगे, और हम उसे कहना कि उसे आशीर्वाद भी देंगे कि वो जीवन भर अपने पति बाबू के साथ लंबी आयु बिताए, है ना माँ? आरोपी को पेश किया जाए। हे दुर्गा माँ, पति बाबू की रक्षा करना, उनकी जीवन की डोर आपके हाथ में, उसे छूटने मत देना। पति बाबू ने किसी के भी साथ कभी अन्याय नहीं किया, हमेशा न्याय किया और सच का साथ दिया, उनके साथ अन्याय नहीं होने देना। आज मैं भी यहाँ न्याय मांगने आई हूँ आपसे, अपने पति के लिए आपसे ये आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि मेरे पति के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जब तक मेरी खुशियों का हत्यारा फांसी पे नहीं चढ़ता, तब तक मैं आधी विधवा और आधी सुहागन बनकर रहूंगी। और आपको ये याद दिलाती रहूंगी कि अपनी इस बेटी के साथ भी न्याय करना है आपको,
कैसी मजबूरी है दुक्का माँ, एक बेटी के साथ खड़ी रहती हूँ तो दूसरी अकेली पड़ जाती है। एक के लिए न्याय मांगती हूँ तो दूसरी के साथ अन्याय हो जाता है। एक जमाई तो खो दिया है आपने, दूसरे जमाई को बचा लीजिए। देखिए अनिरुद्ध को नहीं बचाया तो बॉन्डिता भी बिन। देखिए हम चाह कर भी टूपुर बिटिया के नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, पर एक ही परिवार है, सब एक है, उसके भविष्य के लिए कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जिससे उसका दुख कम हो सके। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी सुमति से यही कह रही थी कि हम दोनों बेटियों का घर उजड़ने नहीं दे सकते, जो कुछ हमारे पास है उसे बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगी टुकुर को। क्या समझाएंगी आप मुझे ठाकुमा? ये समझाएंगी कि एक बार फिर से मैं बॉन्दिता के लिए अपना त्याग कर दूं, या ये समझाएंगी कि अपने पति की मौत भूल जाऊं मैं? मुझे तो समझ नहीं आता ठाकुमा कि आप हमेशा मुझे ही क्यों समझाती हैं, बॉन्दिता को क्यों नहीं समझाती? आपका समझाया हर नियम हर बात मैंने समझी और बॉन्दिता उसने आपका हर नियम तोड़ा ठाकुमा। पढ़ने के लिए विदेश गई, वो भी घर से भाग कर, लेकिन फिर भी आपने उसे पूरे दिल से अपनाया जब वो वापस आई, और मैं पागल फिर भी समझी। 8 साल पहले जब बॉन्दिता भाग गई थी शादी से, तो आपने उसकी जगह मुझे बिठाया मंडप में, समझाया, और मैं समझी ये जानते हुए कि शायद मेरा पति मुझे कभी ना अपनाए, पर फिर भी आपकी मजबूरी मैंने समझी ठाकुमा। दुश्मनी में मेरा चेहरा जल गया, मैं समझी, लेकिन बॉन्दिता वो कभी समझी नहीं ठाकुमा, उसने आपकी एक बात भी नहीं मानी। मैंने तो आज तक आपकी हर बात सुनी, समझी और मानी भी ठाकुमा, लेकिन अब सोचती हूँ क्या मिला मुझे आपकी बात समझ के ठाकुमा? कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ खो दिया मैंने, अपना, मैंने अपना पति खो दिया, विधवा हो गई मैं ठाकुमा। आप अभी भी मुझे ही समझाना चाहती हैं कि मैं अपने पति के कातिल को बॉन्दिता के पति को माफ कर दूं? इस बार मैं आपका ये अत्याचार नहीं सहूंगी, इस बार आपको समझना होगा मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी मजबूरी, मेरा गुस्सा। कचेरी अपना निर्णय दे चुकी है, अब उस निर्णय को आपको समझना होगा, पर अब ये निर्णय ना तो रॉय चौधरियों की पैसों की खनक तोड़ पाएगी और ना ही आपका समझाना ठाकुमा। अनिरुद्ध को फांसी होकर रहेगी, इस बार मेरी नहीं, उसकी आहुति चढ़ेगी। दुर्गा माँ, आज तेरे सामने मैं ये कसम लेती हूँ, मैं अपने पति की अस्थियाँ तभी विसर्जित करूंगी जब फांसी होगी मेरे पति के हत्यारे अनिरुद्ध रॉय चौधरी को। टुपुर, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तुम पति बाबू को दोषी नहीं ठहरा सकती। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तुमसे कोई मिलने आया है?
तुम्हें यहाँ ऐसे में नहीं आना चाहिए था। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तुम्हारा सच जान लिया तो परेशानी हो जाएगी। कल महालया है, कल वो दिन है जब दुर्गा माँ ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और कल फिर से दुर्गा माँ आएंगी। कल कचहरी में पति बाबू के मुकदमे को फिर से खोलने की अर्जी डालूंगी मैं। कल फिर इस मुकदमे पर नई रोशनी छाएगी। और तुमने सही कहा टुकुर, इस बार ना ही पैसों की खनक होगी और ना ही तुम पर कोई दबाव डालेगा। जैसे रात के अंधेरे को चीर कर सूर्योदय होता है, वैसे ही सच झूठ का सीना चीर कर बाहर आएगा। आने वाले पूजा के 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा के साथ सच की भी पूजा होगी, झूठ पे सच की विजय होगी। चंचुन बाबू का खून का मुकदमा फिर से खुल गया है। हाँ, आपको देखना होगा कि कौन सा बेस्ट लड़ने को तैयार होता है। साहस दिखाता है तेज तर्रार पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुबोध चटर्जी के सामने। शहर का सबसे तेज तलवार वकील, जो आज तक कोई केस नहीं हारा, बैरिस्टर सुबोध चटर्जी। फिर से आ गए हैं। उस दिन जो कहा था आपसे भूल गए हैं? याद है मुझे, आपने कहा था कि ये बगीचा नहीं है, जेल है। यहाँ के कुछ नियम होते हैं, इसलिए इस बार मैं नियम अनुसार अपने पति बाबू से मिलने आई हूँ। और एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक बैरिस्टर की तरह मिलने आई हूँ। आजा तुझको मिट्टी पुकारे पुकारे चांद सितारे, आजा के दे तेरा। अब जा सकते हैं। थैंक यू। पति बाबू, इनसे बड़ा कोई बैरिस्टर नहीं पूरे कलकत्ते तक। अरे हो सकता है क्या? ऐसी पर्सनैलिटी है, इनके केस तो इनसे देखते पहले हार जाए। सर, मैंने आपके सारे मुकदमों की कार्रवाइयाँ पढ़ी है। मुझे आपके सवाल पूछने का अंदाज, आपकी तैयारी, आप जिस बारीकी से मुकदमे को समझते हैं,
ये सब बहुत पसंद है मुझे। और फिर सामने वाले बैरिस्टर पे और अपराधी पे अपने तड़कों का जो वार करते हो आप, वो भी सब पसंद है मुझे। मेरे लिए तो कानून के भगवान है आप। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर दे सकते सर? बैठिए। इस कागज पे अपने दस्तखत कर दीजिए पति बाबू कि आपको मंजूर है कि इस मुकदमे में मैं आपकी बैरिस्टर हूं। सोचिए मत, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आपकी मेहनत रंग ला रही है। एक लड़की बैरिस्टर इस कचहरी में अपना पहला मुकदमा लड़ने जा रही है। आपकी बौंदिता अपने पति बाबू के लिए बनने जा रही है बैरिस्टर बौंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी। ये लीजिए। ये लीजिए पति मिस्टर रॉय चौधरी, अपने दस्तखत कीजिए। रुकिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि आपकी बौंदिता ने ये पेपर सही से बनाया है भी कि नहीं। आपका बैरिस्टर आया नहीं अभी तक त्रिलोचन बाबू। डर के भाग तो नहीं गए? डर के भागने वालों में से नहीं है बैरिस्टर बौंदिता। लड़की वकालत करेगी। कौन हो तुम? मैं बैरिस्टर बौंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी और मैं ये साबित करके रहूंगी कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी बेगुनाह है। ये बैरिस्टर रोब किसी तमाशे या ड्रामा में पहनने वाले कपड़े नहीं है। अरे नव ब्याहता का कचहरी में क्या काम? अगर काले रंग का इतना ही शौक है तो घर में चूल्हा फूंक कर हाथ और कपड़े काले करो अपने। ये बैरिस्टर रोब हम मर्दों का रौब है, मर्दों पर ही शोभा देता है। औरतों के कमजोर कंधे इसकी जिम्मेदारी का भार उठा नहीं पाएंगे। शायद आपका पाला कभी किसी औरत से नहीं पड़ा। शायद आप अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मे हैं, बल्कि आसमान से टपके हैं। वरना जानते कि जो औरत अपने कोख से एक आदमी को जन्म दे सकती है
वो दुनिया का कोई भी बोझ सह सकती है। और एक औरत कमजोर नहीं होती, औरत तो प्यार है और जरूरत पड़ने पर तलवार भी। औरत अगर कलम उठाए तो भाग्य बदल देती है, और अगर कदम उठाए तो इतिहास रच देती है। मैं मुकदमा दिल से नहीं दिमाग से लड़ता हूँ। मेरे सामने कितने आए कितने चले गए, तो एक लड़की को तो सूखे पत्ते की तरह उड़ा दूंगा मैं। एक आंधी को सूखा पत्ता समझने की भूल करेंगे ना तो आपकी ये दलीलें इस कचहरी में उड़ जाएंगी। और बैरिस्टर तो बस बैरिस्टर होता है, लड़का या लड़की नहीं। आप तो 15 साल से इस पेशे में हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आपको। तू भी ना बोंदिता, इन्हें पति बाबू जैसे अच्छे शिक्षक नहीं मिले होंगे। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं एक लड़की के सामने केस नहीं लड़ूंगा। अरे अब तक तो मैंने अपना पक्ष भी नहीं रखा और आपने अभी से अपने घुटने टेक दिए। वैसे अच्छा है, अगर आप बिना लड़े ही चले जाएंगे ना तो आपका ना हारने वाला रिकॉर्ड बना रहेगा। अच्छी बात है। देखो लड़की, बैरिस्टर बोंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी। देखिए आप लड़े या ना लड़े ये आपकी मर्जी है। एक लड़की से हारने का डर है, डरिए, ये आपकी मर्जी है। पर कानून मुताबिक आप मुझे लड़ने से रोक नहीं पाएंगे। तो फिर अब आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो आप लड़िए या फिर पीठ दिखाकर भाग जाइए। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं। तुम्हारे पति को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर तुम्हारा सिर झुकाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे पति के गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि यह ब्लैक रोब पहनकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि कोई भी औरत आइंदा मर्द का काम करने के पहले 10 बार सोचेगी। बैरिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, वो इस पेशे में आने का सोचेगी तक नहीं, वो वही करेगी जो उसे करना चाहिए। परिवार पालना, चूल्हा चौका, पूजा पाठ, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना। तुम 6 गज की साड़ी पहनने वाली औरत, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा इस रूप को पहनने के लिए कितनी कुव्वत चाहिए। ये लीजिए प्रसाद, महालय पे दुर्गा माँ बैठाई है, उसी का प्रसाद है। धन्यवाद, आज मुझे दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है।
मेरे पेट में अचानक से मरोड़े क्यों उठ रही है? क्या हो रहा है अचानक से? कब तक पेट पकड़ कर खड़ी रहोगे बंदिता रॉय चौधरी? अब तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा गुसल खाने। अरे बाबू, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? काका ससुर जी, मैं बस अभी आई। अरे लेकिन अभी तो कार्यवाही शुरू होने का समय हो रहा है बाबू। मैं जानती हूँ काका ससुर जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसका मतलब उस प्रसाद में पेट खराब करने वाली दवाई मिलवाई गई है, और ये घटिया हरकत उस सुबोध चैटर्जी की है। ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश है, ताकि मैं मुकदमे के कागज जज के सामने ना रख पाऊं। क्या करूं मैं? सोना कहाँ है? मिली नहीं काका, बॉडी कहीं नहीं दिखी। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, आपका और कचहरी का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप कर दीजिए कार्यवाही स्थगित, क्योंकि अगर अब औरतें मुकदमा लड़ेंगी तो देर तो होगी, क्योंकि वो चलेंगी तो दुल्हन की तरह नाजुक चाल से धीरे धीरे। और हाँ, वो सजने संवरने में भी तो समय लगेगा। ऑर्डर ऑर्डर जज साहब, वो पहला मुकदमा है तो लाली पाउडर बिंदी वगैरह सब तो लगाना ही होगा, गहने भी पहनने होंगे, क्योंकि अखबार में तस्वीर जो छपवानी है। ऑर्डर ऑर्डर बंदिता ऐसी बिल्कुल नहीं जज साहब। हाँ, वो एक औरत है, एक औरत जो अपने रिश्ते और जिम्मेदारियां दोनों निभाना भली भांति जानती है। जज साहब, बंदिता एक काबिल और जिम्मेदार बैरिस्टर है। जज साहब सही कहा इन्होंने, हमारा समय खराब करने की वही जिम्मेदार है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको फांसी हुई तो उसके जिम्मेदार भी वही होंगी। लाली पाउडर और बिंदी लगाकर कचहरी का समय खराब करने वालों में से नहीं बंदिता, वो एक समझदार बैरिस्टर है। अगर वो यहां नहीं आ पा रही तो जरूर कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। रुको, ये आदमी लोगों का गुस्सखाना है, अभी तक यहीं खड़ा है। तुम समझता क्यों नहीं है, आदमी लोगों का जगह पे औरत नहीं आ सकता है। अब जाओ। और आप अपनी जबान पर अब लगाम लगा लीजिए। लगाम तो आप लगाइए अपनी पत्नी को, पांव बांधिए उसके। यूं औरतों को बाहर छोड़ देना ठीक नहीं होता, उससे वही काम करवाइए जिसके लायक है वो। और ये आप तय करने वाले कौन होती? आप तय करेंगे औरतों के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत? औरतों को लगाम की नहीं, उड़ान की जरूरत है। उस उड़ान की जिसे आप जैसा आदमी कभी समझ नहीं पाएगा।
गिरा दी मैंने आदमियों की तख्ती, गिरा दी मैंने आदमी और औरत के बीच की दीवार, मिटा दी मैंने वो लकीर जो आदमी और औरत में भेदभाव करती है। अब आदमी और औरत दोनों बराबर है, और ये घुसल खाना ना ही आदमियों का है ना ही औरतों का। बात समझ आई? रुकिए जज साहब। देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ आदरणीय जज साहब। देर से आना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। तुमने समय से कचहरी की कार्यवाही पूरी नहीं की, इसलिए आदरणीय जज साहब तुम्हारी अर्जी नहीं लेंगे। मुकदमा खत्म। तुम चुनौती हार गई। नहीं, न्याय की लड़ाई में अगर समय भी मेरे साथ दौड़ता ना तो वो भी हार जाता। अपनी घड़ी सही कर लीजिए, क्योंकि 11 बजने में अब 8 सेकंड, 7, 6, 5 सेकंड बाकी है। अपने अपील के कागज पेश कीजिए, बैरिस्टर मोनिता रॉय चौधरी। जी। आज जज साहब के मुंह से इस कचहरी में तुम्हारा नाम बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल गया है। बोंदता, आपकी चुप्पी की जो भी वजह हो पति बाबू, आपकी शिक्षा को मिसाल बनाकर आपको रिहा करवाऊंगी। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी पर लगे खून के आरोप का मुकदमा फिर से खोलने की अर्जी देती हूँ। मुझे माफ करना बहुत था, तुम इतनी कोशिश कर रही हो मुझे बचाने के लिए, पर मेरी मजबूरी ऐसी है कि बजाय तुम्हारा साथ देने के मैं ही तुम्हारी जीत के बीच में दीवार बन गया हूँ। जब आरोपी ने खुद अपना जुर्म मान लिया है तो कुछ कहने सुनने की जरूरत कहाँ रह जाती है जज साहब। पर मैंने तो ये सीखा है कि बैरिस्टर किसी की कही बात नहीं मानते, वो तो बस सबूतों को देखते हैं और गवाहों की आवाज सुनते हैं। और इसी कानून के मंदिर का सबसे बड़ा सिद्धांत यही होता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। पति बाबू, आप पहले भी मेरी ताकत थे और आज भी आप ही मेरी ताकत हैं। आपने पहले भी मुझे रास्ता दिखाया था और मुझे पूरा विश्वास है आप आगे भी अपनी बोंदता को राह दिखाएंगे। पति बाबू तो मुझे कुछ बता नहीं रहे, अब मुझे खुद ही घटनाक्रम बनाना होगा ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो कौन सी बात थी जिसके कारण गोली चलाने की नौबत आ गई। अजीब सी बदबू आ रही है। पति बाबू, क्या हुआ था? क्यों लड़ रहे थे आप दोनों और गोली कैसे चल गई? सब जानते हैं कि इन दोनों जमाई बाबू के बीच कितना झगड़ा हुआ था। और क्या हो सकता है? शादी की रस्मों में दोनों में झगड़ा।
निकालो इस जोड़े को इस सामूहिक विवाह से बाहर। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी प्रकार का भेदभाव। इस बात को साफ साफ अपने दिमाग में बिठा लो चंद्रचूर। उसके बाद तो सब कुछ शांत हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। फिर पति बाबू जमाई बाबू के पीछे क्यों भागे? क्या करूं, कैसे जानूं?